गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे टेबल क्रिएट करें अपने एचटीएमएल के अंदर। इसमें हम कुछ 3-4 टैग का यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप एचटीएमएल के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट द टेबल इन एन एचटीएमएल। सो हम कुछ इसमें टैग्स यूज करने वाले हैं एचटीएमएल के अंदर जो हमें यूज करने हैं। सबसे पहला जो टैग है वो है टीआर टैग। और मैं बता दूं, जितने भी टेबल के अंदर टैग यूज होंगे वो सारे के सारे क्लोज टैग होंगे, ठीक है? तो सबसे पहला टैग है टीआर टैग। टीआर टैग का मतलब क्या है, जैसे आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, टीआर का मतलब ये है टेबल रो। अगला टैग है टीएच। टी देखो, सब में टी मतलब टेबल ही है, आर मतलब रो, एच मतलब हेडिंग, ठीक है? डी मतलब डेटा। तो जितना भी आप टेबल के अंदर डेटा भरोगे वहां पे आप ये वाला टैग लगाओगे। कौन सा? टीडी वाला टैग। आपको कोई हेडिंग लिखनी है टेबल के ऊपर, स्टार्टिंग में हेडिंग लिखना है, रो नंबर नेम टाइप का जो हेडिंग होती है उसमें आप टीएच टैग लगेगा। और टीआर टैग क्या है कि आपको रो में बनाना है या कॉलम में बनाना है, ठीक है? तो इन्हीं 3 चीजों का हम यूज करते हुए आइए देखते हैं वेब पेज पे। तो देखिए, ये मैंने पहले से ही डिजाइन कर रखा है। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए एचटीएमएल का। मेन स्ट्रक्चर हमारा यही होता है, एचटीएमएल हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, ठीक है? तो मैं बॉडी के अंदर क्या करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले H1 टैग में हेडिंग डाल के लिखता हूँ। ये खाली हेडिंग के लिए है, आपको उससे कोई मतलब रखना नहीं चाहिए। मैं इसमें कलर भी फिल कर देता हूँ, ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे मेरा पेज। ठीक है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और इसे आपको यहाँ पे फिट करना है, ठीक है? अब मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो टेबल का टैग होता है टेबल के नाम से ही टैग है, बहुत सिंपल है। इसलिए वेब डिजाइनिंग बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें टैग्स इजी आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है? टेबल टैग लिखा मैंने। टेबल टैग लिखने के बाद मेरे को क्या करना है, रो में बनाना है कॉलम में। तो सपोज करो मैं पहले इसको रो में बना के दिखाता हूँ आपको। रो बनाया, तो रो में दिखाने के बाद यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, रो बन चुकी है, अब उसमें पहले एक हेडिंग आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा डेटा फिल होने वाला है। तो हम पहले हेडिंग के लिए टीएच टैग होता है हमारा हेडिंग का, और मैं सारे बोल चुका हूँ कि सारे के सारे क्लोज टैग होते हैं, ठीक है? तो कहीं क्लोज करना मत भूल जाना, ठीक है? तो टीएच टैग के अंदर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ नेम, एक और टीएच टैग, क्योंकि खाली एक और टीएच टैग लगाता हूँ इसमें, देख देता हूँ नेम के बाद रोल नंबर, एक और लगाता हूँ स्मॉल छोटा सा, इसमें मैं लिख देता हूँ आपका सिग्नेचर, ठीक है? 3 मेरी हेडिंग हो चुकी है पहले से। देखो इसमें हमारा पहले से हमारा रो कंटेंट बन चुका है, इसके बाद हमने हेडिंग लिख चुके हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम इसमें डेटा फिल करने वाले हैं। तो डेटा फिल करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने प्रोसेस का सिर्फ होगा क्या क्या। तो लाइफ रिव्यू के ऑप्शन में गए, जो आपके कॉर्नर के साइड में है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा, कॉर्नर के एकदम साइड पे है और नीचे गूगल क्रोम में। तो देखिए गाइस, मैंने फॉन्ट कलर रेड में आ चुका है। देखिए नेम, रोल नंबर, सिग्नेचर, एक टेबल बन चुका है। आपको अगर टेबल कहाँ बन रखा है, तो एक सिंगल लाइन है, तो ठीक है। मैं आपको टेबल की फॉर्म में थोड़ा सा आपको लग नहीं रहा, लेकिन बन चुका है टेबल। तो टेबल के अंदर मैं सपोज करो मैंने बॉर्डर लिख देता हूँ कि भाई मेरे बॉर्डर का उसका आया रिटर्न 4। अब सेव करता हूँ, देखना ये देखिए सिर्फ हेडिंग बन चुकी है अब, ठीक है? तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसकी डेटा लिखने वाले कि नेम क्या है, रोल नंबर कितने हैं, सिग्नेचर कितने हैं। तो ये देखेंगे, तो देखिए नेम, रोल नंबर और सिग्नेचर आ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हम इसमें डेटा कैसे डालें। तो कोडिंग पे आते हैं अपने, और डायरेक्ट टीआर टैग था ना हमारा टेबल रो का, इसके बाद एक टीआर टैग लिख के इसके अंदर आपको क्या करना है, टेबल का डेटा फिट करना है। पहला क्या है, नेम है आपका। तो नेम में सपोज करो मैंने नेम भर दिया अपना, नाम लक्ष्य, ठीक है? और इसके अंदर फिर मैंने क्या है, रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर लिख दिया 19। और इसके सामने सिग्नेचर, सिग्नेचर में मैंने कुछ भी लिख दिया, सब बाय बाय कुछ भी लिख दिया। आप कुछ भी ले सकते हैं सिग्नेचर में। मैं यहाँ करके दिखा तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं खाली रफली आइडिया दिया आपको कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है? एक और आपको डेटा बना देता हूँ, तो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, इतना टाइप करने से अच्छा एंटर, कंट्रोल वी। मैं आपको नेम चेंज कर देता हूँ, मैंने सपोज कुछ भी नाम मान लिए,
ठीक है, इन सबके रोल नंबर भी चेंज कर देता हूँ कि आपको लगे कि कुछ कोई चीज सेम ना हो रही हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे गूगल के वेब पेज पे कैसे दिखेगा। तो सेव करेंगे, लाइव प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाएंगे, तो देखिए गाइस, नेम, रोल नंबर, सिग्नेचर, ठीक उसके नीचे हमारे डेटा आ चुका है, आशीष अमन, आशीष मनीष, जो भी लिखा है मैंने रोल नंबर और सिग्नेचर। तो इस प्रकार से आप अपना टेबल बना सकते हैं HTML के अंदर बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, और आप इसके अंदर लिंक भी कर सकते हैं, जैसे मैं लक्ष्य ने क्लिक करना चाहूँ तो अभी क्लिक तो होगा नहीं, देखो कोई क्लिक नहीं हो रहा। तो ये मैंने आपके अपनी फोर्थ लेक्चर में बनाया था कि लिंक कैसे करें, तो उस वीडियो को जरूर देखना अगर आपको लिंक करना है इसके अंदर, इसको डेटा डालना है और वेब पेज बनाने हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा था हमारा टेबल इन HTML, बहुत ही इजी तरीके से हम अपने वेब पेज को कर सकते हैं टेबल के थ्रू क्रिएट करके। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो भी अपना कंटेंट बनाया, वेब पेज बनाया, इसमें मैंने 3-4 टैग यूज करे और एक सिंपल सा आपका टेबल क्रिएट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं कि मैं उसमें एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं, जैसे फेसबुक के लॉगिन पेज कैसे बनाए, इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज कैसे बनेगा, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है वो कैसे बनेगा, और तीनों में इनपुट लेना सीखना है हमें। तो अब से हम जो भी वीडियो आने वाली है वो सारी की सारी एप्लीकेशन बेस आने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस आएंगी सारी वीडियो, अब कोई टॉपिक वाइज वीडियो नहीं आएगी कि इमेज कैसे पुट करें, लिंक, ये सब चीज हो चुका है हमारा कंटेंट HTML के अंदर। अब डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन आएंगी, और एप्लीकेशन खत्म करते ही मैं अदर लैंग्वेज उठाना चाहूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बताओ मैं कौन सी लैंग्वेज पढ़ाऊं नेक्स्ट। ठीक है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।